खबर उत्तर प्रदेश के बगायूं से है, जहां एक हैवान ने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के कुछ देर के बाद ही एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया। हत्या के पीछे मकसद क्या था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मर्डर की वजह क्या थी और इस खूनी खेल के बाद इलाके में माहौल क्या है। बिग न्यूज़ बिग शो की शुरुआत कर रहे हैं बदायूं मर्डर की इस इनसाइड स्टोरी के साथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं से ऐसी खबर सामने आई जिसे जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। जिन 11 और 6 साल के बच्चों के सपनों ने अभी ढंग से उड़ान भी नहीं भरी थी, उन पर उस तरह से हमला कर दिया गया। हमले में दो बच्चों की मौत हो गई, तीसरा बच्चा घायल हो गया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद 9:00-11:00 हो गया। वारदात की सूचना मिलने पर आरोपी का पीछा कर पुलिस ने जब उसे पकड़ना चाहा तो गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो मारा गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मासूमों की हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान का सामान बाहर निकालकर जला दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर दो मासूमों की जान लेने के पीछे का मकसद क्या था। घर में गया, घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों के दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया, वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसकी थोड़ी को छोड़ दी और उनसे भागा। बच्चा सर इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। बच्चों के पिता बाबा कॉलोनी के रहने वाले हैं। बच्चों की मां घर में ही पार्लर चलाती हैं। हत्यारे का घर के सामने ही सलून था। हत्यारा मंगलवार शाम घर में घुसा, दादी से मिला और तीसरी मंजिल पर गया। पहले परिचय होने के चलते विनोद की पत्नी उसके लिए चाय बनाने चली गई। इसके बाद वो चुपके से घर की छत पर चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। आयुष, आहान और पीयूष पर उस तरह से हमला किया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोग ऊपर पहुंचे, तब तक हत्यारा मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। एक ही घर के दो चराग बुझ गए। कहा जा सकता है कि कत्ल से पहले कातिल ने मृतक बच्चों की मां से 5,000 रुपए की मदद मांगी थी। सवाल यह है कि 11 और 6 साल के मासूमों से आखिरकार आरोपी की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी। मासूमों की हत्या क्यों हुई, इस सवाल का जवाब सभी को चाहिए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।